सूर्या जी, आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है और समाजवादी पार्टी ही की तरफ से अगर शफीक उर रहमान ये बयान देते हैं तो क्या आपको इसमें गलत नहीं लगता? मैं प्रवक्ता के नाते बात कर रहा हूं तो मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, लेकिन आप अलग टॉपिक पर ले जा रहे हैं ना, तो सुन तो लीजिए भाई, मैं बोल रहा हूं तो आप सुनिए तो सही। आप मेरी बात ही नहीं सुनेंगे तो सुन रहा हूं, मैंने पूरा वक्त दिया, बोलिए अपनी बात। हाँ तो बस सुन लीजिए आप, इतना तो आपने नहीं टोका था किसी को। मैंने कहा कि अनुराग भदौरिया हो या हिमांशु दीक्षित हो या PFI हो, अगर कोई संगठन सरकार को लगता है देश के लिए खतरा है तब तो उसको देश में नहीं रहना चाहिए। भाई राष्ट्र से बड़ी तो कोई चीज नहीं है। इस देश के अंदर सबसे बड़ा क्या है? राष्ट्र। और राष्ट्र पे अगर खतरा मंडरा रहा है तो आप 8 साल से क्या कर रहे थे? अगर फंडिंग भी आ रही है लगातार तो आपकी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? खाली आप जी, मैं आपकी पार्टी के नाते पूछ रहा हूँ, फिर आप बोलेंगे टोक दिया, फिर आप बोलेंगे टोक दिया। बोलने नहीं दोगे भाई? नहीं नहीं नहीं, मैं देखिए ना, मेरी बात सुनिए, पॉइंट पर अगर रही है तो इसीलिए वो ज्यादा अच्छा होगा। मैं आपको टोकना नहीं चाह रहा, लेकिन मैं शफीक उर रहमान के बयान को खोल करके आपसे पूछ रहा हूँ, क्या वो सही है? वो पूछ रहे हैं उनका जुर्म क्या है, और यहाँ पर उनका जुर्म बता दिया कि पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहे हैं। सुनिए सुनिए, आपको क्या लग रहा है कि मैं पॉइंट से भटका? मैं PFI की तो बात कर रहा था, मैं तो नहीं बोला अंकिता का मर्डर। मैं शफीक उर रहमान के बयान के बारे में आपसे पूछ रहा था कि वो बोल रहे हैं कि जुर्म क्या है। दे रहा हूँ ना, समाजवादी से पूछ रहे, समाजवादी जवाब दे रहा है। हाँ, और समाजवादी की बात सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूँ ना, अधिकृत प्रवक्ता बात नहीं, तो आपको समाजवादी पार्टी को जुर्म नजर नहीं आता क्या? नहीं सुनना है तो आप, नहीं मैं आपकी बात को सुन रहा हूँ, लेकिन क्या आपको जुर्म नजर नहीं आता समाजवादी पार्टी को, PFI का? आप मैंने आपसे क्या बोला? PFI देश के लिए खतरा है, अनुराग भदौरिया देश के लिए खतरा है, नहीं आप कोई व्यक्ति देश के लिए खतरा है तो उसमें बैन कर दो। आपको किसने रोका है? आप क्यों नहीं बैन करते? नहीं तो आपकी पार्टी स्टैंड क्यों नहीं ले पा रही? अरे आप भी तो अपनी बात रखिए ना, शफीक उर रहमान तो कुछ और कह रहे हैं। अरे मैं आप जो कह रहा हूँ सुन लीजिए। अरे तो आप समाजवादी पार्टी के हैं, शफीक उर रहमान भी समाजवादी पार्टी के हैं, तो उस बात पर जवाब दीजिए ना, फिर आगे बढ़ूंगा। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने क्या, इनका जुर्म क्या है? उन्होंने क्या बोला कि PFI को रहने दो, राष्ट्र विरोधी है तब भी रहने दो, ऐसा बोला क्या? सवाल क्या था, सुनाइए उनसे। नहीं, उनकी तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि उनका जुर्म क्या है, पूछा गया, उनका जुर्म क्या है? अरे उनका जवाब सुना रहे, सवाल जो पूछा गया वो सुनाइए ना, वो हैसियत है आपकी? सवाल सुनाइए ना, अनुराग जी पूछा था पत्रकार ने, हैसियत अनुराग जी, सीधे स्पष्ट शब्दों में सवाल पूछा है तो उसका जवाब दीजिए। बड़े प्यार से सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे, कह रहा हूँ हैसियत, बहुत सवाल बहुत प्यार से पूछ रहा हूँ। ये जितनी अकड़ है ना, अकड़ अपने पास रखिएगा, नहीं ये बदतमीजी आनी चलेगी, ये बदतमीजी नहीं चलेगी, अकड़ अपने पास रखिएगा, शर्म नहीं आती है। हाँ, ये बदतमीजी अपने पास रखिएगा अनुराग भदौरिया जी, एजेंडा चला रहे, ये पत्रकार ये अपने पास रखिएगा, ये बदतमीजी अपने पास रखिएगा। शफीक उर रहमान के बारे में जब सवाल पूछा जाता है, समाजवादी पार्टी के स्टैंड के बारे में पूछा जाता है, तब आपके मुंह से जुबान नहीं निकलती, नहीं तब आपके मुंह से जुबान नहीं निकलती है। जवाब दे रहा हूँ, आप सुनना नहीं चाहते, ठीक है? सुनिए, एक काम कीजिए, एक ऐसा ग्लास होगा आपके बगल में पानी का, थोड़ा सा पी लीजिए, शांत हो जाइए, है ना? आपके बगल में ग्लास होगा, पी लीजिए, थोड़ा चिल हो जाइए, है ना? बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, देखिए जो जवाब पूछा जाता है, जो सवाल पूछा जाता है उसका जवाब हटके बाकी कुछ पूछ लेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सबकी बात कर लेंगे, मुद्दे की बात नहीं करेंगे, लेकिन ये बताइए वो कौन है जो कवर फायर दे रहे हैं PFI को?